अभी से कुछ देर पहले जो है एक भयानक आग का एक हादसा होता है SRTC यार्ड में, जहां जो यहां के कर्मचारी हैं उनके थ्रू पता चलता है। और फिर जल्द से ये तस्वीरें हम आपको SRTC यार्ड से दिखा रहे हैं। यहां पर अब से कुछ देर पहले आग लग गई। आग कैसे लगी, उसके कारण, आग लगने के कारण तो नहीं पता चले हैं, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं वो इस समय मौके पर यहां पर मौजूद हैं और इन्होंने यहां पर आकर ये आग जो है वो बुझाई है। और ये देखें, अंदर काफ़ी दूर तक, अंदर तक आग लगी हुई थी। ये सारा के सारी, ये देखें यहाँ पर, ना जाने ये क्या मटेरियल था, लेकिन ये सारा का सारा मटेरियल जो है जल गया है। टीनें जो हैं ये सारी की सारी यहाँ पर काली हो गए, इनका रंग भी। और ये देखें दमकल विभाग के लोग जो हैं अंदर जो आग लगी है उसे बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आग अचानक इतनी तेज़ी से लगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। उसका एक कारण हमें जो लगता है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी में थोड़ी सी छोटी सी चिंगारी भी जो है वो एक झटके से वो आग पकड़ती है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर दमकल विभाग के लोग जो हैं वो यहाँ पर आग बुझा रहे हैं। अच्छा सर, अब आप यहीं थे? हम खाना खा रहे थे अंदर। तो ये कैसे, क्या हुआ यहाँ पे? ये सुबह इधर आग लगाते हैं, मच्छर उच्छर होता है। तो नहीं, आप यहीं थे? हाँ नहीं, हम अंदर, यहाँ पर कोई प्रेजेंट कोई नहीं था उस वक्त। अच्छा, हम उधर दफ्तर में थे। ये हमारे वर्कर जो काम करते हैं इधर काम कर रहे हैं इस गाड़ी पर। अच्छा, वहाँ पे ये जो ट्रक है। अच्छा। अब इसमें लॉन्च कर रहे थे, लॉन्च करके अंदर यहाँ से निकले, ये लॉन्च करके उन्होंने देख रहा आग, उन्होंने इन्फॉर्म किया हमें, तो हमने तुरंत फिर फायर ब्रिगेड। शॉर्ट सर्किट से लगी है कि यहाँ पर इसका कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं, कोई ऐसा तो नहीं, कोई यहाँ पे आके कोई नशा नुशा कर रहा था उसने? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं वैसा। तो तारे भी तो ऐसी दिखती नहीं है जिससे शॉर्ट सर्किट होने की कोई वजह यहाँ पर? वो कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? नुकसान कुछ नहीं, ये कबाड़ और नुकसान कुछ नहीं, ये कबाड़ ही था सारा, नुकसान कुछ नहीं है। तो ये आपने दमकल विभाग के लोगों को जानकारी दी है यहाँ पर आग लग गई? हाँ, ये हमें, हमारी तरफ से हमारे इंस्पेक्टर बख्शी साहब ने उनको फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन विद इन 9 मिनट वो आ गया, मतलब वो तुरंत आ गए। अगर वो ना आते तो नुकसान बड़ा होना था। तो सोचें ये साथ में गाड़ियां लगी हुई हैं, ये सारी गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं? नहीं नहीं, ये कबाड़ नहीं है। अच्छा, अगर इनको आग लग जाती तो ये सारा नुकसान, वो तो नुकसान होना था। तो ये देखें यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और अगर मौके पर दमकल विभाग के लोग नहीं आते, फायर ब्रिगेड के लोग नहीं आते, तो ये सारा का सारा, सारी जो गाड़ियां हैं ये भी जल सकती थी। अब ये इस तरफ तस्वीरें देखें, कितनी सारी गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान जो था वो हो सकता था, लेकिन दमकल विभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो समय पर आ गए और समय पर आकर उन्होंने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको विक्रम चौक एशिया होटल के बीच में जो SRTC यार्ड है वहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अचानक आग लग गई। अब अचानक यहाँ पर कैसे आग लगती है ये समझ नहीं आया, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग से तो ये लगती नहीं है, और दूसरा बाकी लोग वहाँ पर बैठे हुए तो यहाँ कैसे आग लगी ये बात समझ नहीं आया। तो धूप इतनी तेज़ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इतना सूखा था कि उसको आग स्वयं पकड़ गई, या फिर कोई नशा करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा गड़बड़ किया है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, समय पर दमकल विभाग के लोग पहुँच गए
और इन्होंने यहाँ पर आकर आग पर काबू पा लिया। इस समय भी आप देखें तो दमकल विभाग के लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए, और क्योंकि यहाँ आग लगी हुई थी कोशिश यही है कि कहीं कोई ऐसी जगह रह ना जाए यहाँ पर, ये आग छूट जाए और बाद में फिर से ये आग जो है वो तेज़ी से बढ़ के और यहाँ पर नुकसान जो है वो हो जाए। लेकिन ये तस्वीरें यहाँ पर गाड़ियाँ देखें आप, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और ये यहाँ देखें सारा का सारा, वैसे सारा का सारा ये कबाड़ ही था। ये टीने देखें यहाँ पर, लकड़ी देखें, तो काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर ये कबाड़ ना होता तो आप सोचें कि यहाँ पर कितना नुकसान हो गया होता। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें साथ, नमस्कार।